हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं हमारा हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हमने हिस्ट्री के पॉइंट्स देख लिए। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो आप देखिए, हमारे खान सर ऑनलाइन के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वीडियो देखने मिलेगा। तो इसमें हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। ये ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर्स है जिसमें मैप पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ये उसमें से पहला चैप्टर है, हम इस पर फोकस करने वाले हैं। दिस इज रिसोर्सेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। याद रखिए, ये आपको 26 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये पूरा वीडियो सीरीज आपको उसमें से 5 मार्क्स दिला सकती है। पूरी वीडियो सीरीज जिसमें 7 वीडियोज होने वाले हैं, ये आपको पूरे 5 मार्क्स दिला के देंगे गारंटेड तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना के समय गवाए। तो ये है हमारा पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसमें से पूछे जाने वाले टाइप्स ऑफ सॉइल। देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन से, ये देखिए, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एंड रिमेनिंग आर ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। अगर आप देखा जाए अगर मेरी मानिए तो ये ज्योग्राफी का सबसे इजी चैप्टर है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो 1 मार्क आप मान के चलिए कि बिल्कुल आप ही का मार्क है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ये 1 मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा जो इसमें से आने वाला है। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो मैप दिख रहा है, ये वाला मैप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी है। इसके अलावा ये मैप आपको मिलेगा आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें ये देखो, ये एरिया सारा ब्लैक एंड व्हाइट मैप होगा आउटलाइन बॉर्डर्स के साथ। उसमें से कुछ एरिया जैसे कि ये हाईलाइट किया हुआ रहेगा, इतना एरिया हाईलाइट रहेगा। तो आपसे पूछा रहेगा विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दिस एरिया। ऑब्वियसली आप लिखिए, या तो फॉरेस्ट सॉइल लिखिए, या तो माउंटेन सॉइल लिखिए, या फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल लिखिए, दोनों चलेगा, आपका 1 मार्क कन्फर्म। जनरली ये इसी एरिया से पूछा जाता है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पर जनरली नहीं पूछी जाती है, पर पूछी जा भी सकती है, ठीक है। ये इतना याद रखिए इसको, यहाँ पे आपको पता करना नहीं है, पता करके हाईलाइट नहीं करना है, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम में दिया हुआ है हाईलाइटेड पोर्शन, हाइलाइटेड एरिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन दिस एरिया। तो ठीक है, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मोस्टली आपको हिमालय रीजन में मिलेगी। ओके, अब बाकी इन्फॉर्मेशन आप ये अगर आप पढ़ लोगे तो ये आपको हो सकता है, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए या 3 मार्क क्वेश्चन के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सकती है, आपके फायदे के लिए मैं लिखा हूँ। दूसरी एलुवियल सॉइल, भारत की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, जिसको हम बोलेंगे ये सॉइल जिस एरिया में है, किस एरिया में है, ये नॉर्दर्न प्लेन, ये इंडिया का ब्रेड बास्केट है। ये देखिए, ये वाला एरिया जो स्टार्ट हो रहा है, इससे पंजाब से गुजरता हुआ, हरियाणा से होता हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार से, वेस्ट बंगाल से जाके असम तक, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, उत्तरी मैदान आई थिंक हिंदी में बोलते हैं उसे, ये उत्तरी मैदान में थोड़े से नैरो कॉरिडोर से होके गुजरती हुई है राजस्थान गुजरात तक पहुंच जा रही है, ये हमारी एलुवियल सॉइल। ये भी इसमें से कोई एरिया ऐसा नहीं है कि शायद पूरा का पूरा एरिया आपको हाईलाइट करके दे दिया जाए, इतना एरिया दिया जा सकता है, इतना एरिया दिया जा सकता है, या फिर ये इतना एरिया दिया जा सकता है, या फिर इतना स्ट्रिक्ट, ऐसा कोई भी एरिया दिया हुआ रहेगा, ये हो सकता पूरा भी दिया हो, तो बहुत आसान है समझने के लिए। यहाँ पे आपको मिलेंगी एलुवियल सॉइल, आपको सॉइल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी, ये बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, पहले ये सॉइल कहाँ से आती है, डिपॉजिट की जाती है हमारे 3 ग्रेट हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये थोड़ा सा राजस्थान से होते हुए गुजरात तक पहुँच जाती है। अगली सॉइल रेड एंड येलो सॉइल, टेक्स्ट बुक में इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरे सॉइल्स डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं उस वीडियोज में। आप आंसर ऑनलाइन हमारे YouTube चैनल पे जाके सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको देखने मिल जाएगा रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल भी बेसिकली बहुत आसान है पहचानना। देखिए, ये कहाँ मिल रही है आपको, ईस्टर्न एरिया में मिल रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन सा पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, बॉर्डर वाला स्टेट, थोड़ा सा अंदर तक जा रही है। उसके अलावा ये अगेन ईस्टर्न इंडिया का, जिसका सेंटर ईस्टर्न इंडिया, इसमें आपको देखने मिलेगा झारखंड, देखने मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, देखने मिलेगा कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, कुछ पार्ट पूरा ओडिशा, मोस्ट ऑफ द ओडिशा, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा तेलंगाना भी है इसमें, तेलंगाना, तमिलनाडु, कुछ पार्ट कर्नाटका के भी, आपको ये सारी चीज़ें रेड एंड येलो सॉइल इतने एरिया में देखने मिल रही है। याद रखिए छोटे छोटे पॉकेट्स, हाँ अब ये छोटे पॉकेट्स कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये 3 सॉइल समझ में आ गई, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, हाईलाइटेड रहेगा, आपको कुछ बड़ा नहीं करना इसमें, पर ये आएगा कोई एक ही मार्क के लिए आएगा ज्योग्राफी में से अगर आता है तो, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ और भी पॉइंट चाहिए होगी, हमारी रेड एंड येलो सॉइल होगी। अब हम चलते अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक सॉइल।
ये ब्लैक सॉइल, अगर फर्टिलिटी की बात की जाए तो जो बेस्ट फर्टाइल सॉइल इंडिया की, जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ये एलुवियल सॉइल, उसके बाद ये सेकेंड नंबर की मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, जिसका दूसरा नाम है, ये देखिए यहाँ पे दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, और दिस इज बेस्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल और कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे अच्छा एरिया है। इवन मैं खुद बेसिकली महाराष्ट्र में हूँ, तो हमारे एरिया में कॉटन काफ़ी अच्छा होता है। और ये माना जाता है कि ये बनी है लावा फ्लो से, हजारों साल लाखों सालों पहले यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और उस इलेप्शन से इग्नियस रॉक बना, और उस इग्नियस रॉक को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन होते होते ये ब्लैक सॉइल बनी। ये पूरी एरिया को कहा जाता है डेक्कन ट्रैप या फिर बेसाल्ट रीजन, डेक्कन ट्रैप और बेसाल्ट, देखिए डेक्कन ट्रैप और बेसाल्ट रीजन। तो यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलेगी आपको, ब्लैक सॉइल, कवर करती है मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, लार्जर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अगेन लीड्स टू तेलंगाना, टू दिस, दिस इज ब्लैक सॉइल। देन नेक्स्ट इज लैटरेट सॉइल। अब आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये कंफ्यूज करने वाली ये ना आ जाए, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में, करेक्ट छोटे एरिया में, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी लैटरेट सॉइल है वो छोटे स्मॉल पॉकेट्स में ही है। ये देखिए स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में ही है, अगर ये थोड़े से एरिया अगर आप ध्यान रखें, रफली अगर एरिया का आइडिया ले ले, दिमाग में बैठा लें छोटे छोटे आइडियाज को, तो आपको समझ में आ जाएगा जो छोटे पॉकेट्स में है ना वो लैटरेट सॉइल है। इसका मतलब अगर लैटरेट सॉइल आती है तो आपको छोटे पॉकेट्स ही मिलेगी। से पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट का वेस्ट का एरिया, उस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कुछ हद तक थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच है लैटरेट सॉइल का। ओके, ये भी आसान ही है, अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, आप बस छोटे छोटे पॉकेट्स ढूंढिए मैप में, और छोटे छोटे पॉकेट्स अगर सीबीएसई मैप करके मार्क करके आपको देता है हाईलाइट करके, तो अगर ये इस जगह पे है तो आप समझ लीजिए वो है लैटराइट सॉइल। इसके बाद सबसे लास्ट सॉइल हम देखेंगे एरिड सॉइल, जो कि हमको मोस्टली मिलती है एक ही जगह राजस्थान में, जिसको मतलब थार डेजर्ट वो वाला राज्य, यहाँ पे हमको मिलेगी एरिड सॉइल, मतलब ड्राई सॉइल। तो ये है हमारे छह मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। ये छह सॉइल आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, इसको लोकेट नहीं करना है, इसको हाईलाइट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी हाईलाइटेड हो गए, ऑलरेडी मार्क्ड हो गए, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसमें एक मार्क का पूछा जाएगा, वो आराम से ले सकते हो, और आपको ये मार्क्स लेना है एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। इसके अलावा और वीडियोस आएंगे जिसमें बाकी चैप्टर्स भी मैं कवर करूंगा, तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और डेफिनेटली शेयर तो बिल्कुल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं या मेरा व्यूज़ बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लीजिए, और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर वापस आइए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको मैप में कितने पॉइंट्स मिले, या फिर हम डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको मैप पॉइंट्स के आंसर भी दे दूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजिट करते रहिए मेरे चैनल को, और आगे के वीडियोज़ के लिए लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।